हेलो भाई, वेलकम गाइस। मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो के अंदर मैं देखने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाला हूँ। मैं ट्रेडिशनल पठान या फिर ट्रेडिशनल पश्तून वेडिंग देखेंगे हम किस तरीके से होती है पाकिस्तान में। सो वो वीडियो देखेंगे। और इससे पहले हम कई सारे पठान वेडिंग की फायरिंग पर भी रिएक्ट कर चुका हूँ। मैं दो तीन वीडियो मैंने रेगुलरली करी थी रिएक्ट, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, या मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। तो चलो इस वीडियो को देखते हैं कि ट्रेडिशन क्या है वहाँ का, शादियों का, पठानों की शादियों का, देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बाइक वाला जानबूझकर चल रहा है क्या इनके आगे, गाड़ी के आगे दूल्हा के? सही है भाई, पूरी गाड़ी पीले फूलों से सजी है। सेरा वेरा नहीं मानता। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بشاه سوار خان ولي حيات خان تورقي وابر مقرا ये फादर का नाम ऐसे करके कबूल है। هم په دې الفاظ مذکورو سره تا صبح خپل نکاح کې قبول کړی و قبول مکرا هم په دې الفاظ مذکورو سره تا صبح خپل نکاح کې قبول کړی و قبول مکرا مبارک شه جی مبارک شه مبارک شه مبارک شه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات آمين. ألف بينهما كما ألفت بين آدم صفي الله عليه الصلاة والسلام وحواء رضي الله عنها. آمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم صفي الله عليه الصلاة والسلام وحواء رضي الله عنها. آمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم صفي الله عليه الصلاة والسلام وحواء رضي الله عنها. آمين. पुलाव बहुत बड़ा खाना बन रहा है भाई। ये दूल्हे भाई तैयार होके आए हुए हैं भाई वलीमे में अपने।
भी भाई हर बार मिलते हैं। रोटी हलवा है शायद, हलवा सूजी का हलवा, नान बढ़िया। अच्छा वो तैयार हो रहा था, ये उठा कर ले आ रहे थे। ये शादी में जा रहे हैं, ओके वहाँ से स्टार्ट होती है वीडियो। देखते हैं पश्तो वेडिंग ट्रेडिशन वहाँ का। Hello guys, as you can see, we got invited to this wedding party. We arrived here and the atmosphere is different than all the wedding parties that we know. Dance party bhi chalti hai bhai. Hope you're going to like it and enjoy it as much as we did. Loji bhai mujhe nahi pata tha. Aisa hota hai sab jagah hota hai kya batana? सब लोग बैठ के देख रहे हैं यार, ये सच में पठानों की शादी है ना। पैसा भी लुटाया जा रहा है। अरे लड़का भी डांस कर रहे हैं भाई, पूरी मौज ले रहे हैं ये तो। अच्छा वो लड़का है जी जो वीडियो बना रही है लड़की, उसके साथ जो है वो नाच रहे हैं। ये क्या है इतने ज़्यादा बाल फेंकना, भूत आ गया इसमें। मेरी शायरी वो गाना चल रहा है इसके। गाने इंडिया नहीं चलते हैं आज शादी बराते हुए ना वहाँ पे। अरे अरे वो देख क्या रहा है दीजिए। अच्छा कोई पश्तो गाना लगाया। अंकल गुड डन भी नाच रहे हैं भाई। और ये दूल्हा है ना, दूल्हा दूल्हा को चक्कर मार रहा है यार। ऐसे तो लड़की को ले जाते हैं। Number of steps you have to do in this kind of a ceremony,
One of these being the mehendi tradition. Women are having a different celebration, so this is why there are only men here, except from the two dancers and me. This is called Mandy. Mandy lag rahi hai. Mandy got. Okay, Mandy ne apni mithai mithai bhi hoti hai. दूल्हा तो गुलाब जामुन गिरा यार फिर डांस पे आ गए This is the only Pashto wedding we attended, so all the traditions are very new to us. And this is another reason why Mike has a very confused look on his face. But you guys, I think, can explain it better in the comments. We're Dodo Explorers. I hope you enjoyed our video. Don't forget to subscribe and take care. Bye bye. मैंने दो वीडियोस ऐड की हुई हैं इसके अंदर. मुझे लग रहा था एक ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, इसलिए मैंने दूसरी ऐड की. तो दूसरी एक विदेशी व्लॉगर्स हैं ये दोनों, लड़का लड़की, जिसमें लड़का दिखाई दे रहा था, लड़की बोल रही थी पीछे से. सो ये वीडियो भी मैंने इसीलिए देखा ताकि मुझे कुछ और देखने को मिलेगा. लेकिन हाँ, इसमें डांस देखने को मिला, इसमें खाने पीने की जगह देखने को मिली पहली वाली वीडियो में, किस तरीके से दूल्हा बनता है, वलीमा, शादी, निकाह, वो देखा हमने. उसके बाद हमने देखा कि मेहंदी वगैरह होती है, फिर क्या होता है शादी में. तो शायद शादी का पूरा वीडियो नहीं था ये, दूसरा वाला, लेकिन पहला वाले में हमने देख लिया था कि शादी की निकाह हुआ, उसके बाद वलीमा किस तरीके से होता है, खाना पीना होता है, एंड सब लोग उसको प्यार देते हैं, मुबारकबाद देते हैं. सो वेरी कामली ये एक तरफ का एक साइड थी, लड़के की साइड थी. लड़की की साइड का मुझे नहीं पता किस तरीके से होता होगा, लेकिन हाँ, दूसरे वाली क्लिप में हमने देखा डांस हो रहा था यार. मैं देखकर थोड़ा सा ऐसा करा मैंने, यार डांस पठानों में डांस भी होता है वहाँ पर. मतलब सुना था हल्का फुल्का कभी कभार होता होगा ऐसा, लेकिन अभी भी होता है या अब और ज़्यादा होता है पहले से. एक
थोड़ी सी जो ट्रेडिशन आप कह सकते हैं वहाँ पर किस तरीके से हुआ करती हैं, होती आई हैं शादियाँ, उस तरीके से थोड़ा अंदाज़ा लगा। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी वीडियोस थी मेरे हिसाब से, मतलब पूरा कल्चर दिखाने के लिए पाकिस्तान की पठानों की जो कल्चरल वेडिंग होती है वो मुझे इसमें दिखाई नहीं दी। आपको कुछ पता हो वीडियो मिले या फिर है आपके पास तो मुझे आप भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, उस पर क्लिक कर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे कोई भी वीडियो भेज सकते हैं, मुझसे इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो आप ज़रूर करिएगा अगर ऐसा कुछ पता है आपको। तो ये हमने देखा इसके अंदर, तो कुछ अंदाज़ा तो हुआ इसमें, और मुझे देखते हुए यही लग रहा था कि यहाँ इंडिया में भी बहुत सिमिलर होती हैं। देखिए पहले एक मंडा टाइप का होता है, वहाँ मेहंदी होती है पाकिस्तान में, यहाँ मंडा टाइप का होता है, जैसे मेहंदी वेहंदी हो गई उसमें एक मंडा होता है जो अपने क्लोज़ जो रिश्तेदार हैं उनको खिलाना, यानी कि मोहल्ले के थोड़े क्लोज रिश्तेदार जो आए हुए हैं बाहर से, मेहमान जो कल शादी में जाएंगे, सो उनको कुछ इस तरीके से खाना वाना खिलाया जाता है। शाम को बहुत हल्का फुल्का सा प्रोग्राम होता है, उसके बाद शादी होती है तो सब सारे मेहमान जो भी आए हुए होते हैं वो चले जाते हैं, 200-250 जितने भी लोग हों वो जाते हैं वहाँ पर शादी में, खाना पीना खाया शाम को लौट कर आए, और जिसको अपने घर जाना है वो घर चला जाता है अपने अपने, बाकी जो फिर जो रुकना चाहता है वो रुकता है, ताकि कल अगर वलीमा है, क्योंकि शादी के अगले दिन ही ज़्यादातर यहाँ पर वलीमा हुआ करता है, तो अगले दिन वलीमा निपटा कर जाते हैं, रुक जाते हैं वहाँ पर, इंतज़ाम वगैरह होते हैं। तो दुल्हन को लेकर आए, सब कुछ हुआ, वो जो भी होता है शादी वाले दिन हो जाता है, फिर अगले दिन उठकर सुबह को वलीमा होता है, वलीमा होता है चाहे दिन में कर ले चाहे शाम को कर ले, फिर उसके थोड़ी ही देर बाद वो दुल्हन को लेने आए हुए होते हैं, मतलब वलीमे में लड़की वाले दुल्हन को लेने आए हुए होते हैं, उनको फिर विदाई कर देते हैं लड़की की, फिर लड़का एक दो दिन बाद उसको रेस्ट करने के बाद जाता है दुल्हन को लेकर आता है। इस तरीके से यहाँ पर हुआ करता है, मतलब बहुत ही कॉमन है यहाँ पर इस तरीके से होना, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, कभी कभी लोग वलीमे को बढ़ा देते हैं शादी, जैसे आज हुई तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद जितने भी दिन के हिसाब से होता है वो कर देते हैं, वरना इसी तरीके से होती हैं जैसे मैंने बताया। और पाकिस्तान में ऐसा होता है शायद कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं वलीमे को, कई दिन बाद कर देते हैं, सो वहाँ का अभी भी मुझे पूरी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद पता नहीं चला, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है मुझे जैसे यहाँ पर हुआ करती हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना पूरी डिटेल, इंस्टाग्राम पर बताना चाहें तो वहाँ पर बता सकते हैं, कोई लिंक भेजना चाहें तो वहाँ पर भेज सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।